हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले वो बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट आज हम करने वाले हैं। सो गाइस आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका जो मैंने टॉपिक लिया है वो हीट ऑफ एक्सपांशन, मतलब हीट कैसे एक्सपांड होती है, या फिर मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुमको दिखाने वाला हूँ कि अगर हम हीट को अच्छे से एक्सपांड करें या फिर ट्रांसफ़र करें तो कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मटेरियल में अगर हम हीट एक्सपांड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो मटेरियल जल्दी बर्स्ट नहीं होता है, मतलब जल्दी नहीं फूटेगा या फिर फटेगा वो। तो दैट इज़ डिपेंड ऑन व्हाट, हीट ऑफ एक्सपांशन। वो हीट ऑफ एक्सपांशन के ऊपर डिपेंड करता है जिसके वजह से वो मटेरियल ब्लास्ट या फिर फूटता है। तो गाइज मैं एक्सपेरिमेंट फटाफट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन गाइज आप फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मेरे चैनल का नाम केमिस्ट्री तड़का है, सो आप इस चैनल को जाइए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहे और आपको बहुत ही मजा आएगा ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद। सो मैं गाइज इस हीट ऑफ एक्सपांशन में बलून यूज़ करने वाला हूँ और बलून के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हीट ट्रांसफर होता है और या फिर कौन सा बलून बस्ट होगा या फिर कौन सा बलून नहीं बस्ट होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? सो हम एक काम करते हैं, हम फटाफट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे देख रहे हैं यहाँ पे बलून्स लिया हूँ और इस बलून से मैं आपको हीट ऑफ एक्सपांशन के सारे एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। सो हीट कैसे ट्रांसफर होती है या फिर कहाँ हीट कैसे ट्रांसफर होती है और सब्सटेंसेस मटेरियल कैसे बस्ट नहीं होती या फिर कैसे फूटते नहीं है वो अगर हम हीट को अच्छे से ट्रांसफर करें किसी भी मटेरियल के अंदर। सो गाइज हम फटाफट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइज आप इस केमिस्ट्री तड़का चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। सो चलो गाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये मैंने एक बलून यहाँ पे लिया है और इस बलून के अंदर आपको पता होगा एयर है, इस बलून के अंदर क्या है गाइज, एयर है। तो अगर मैं इस बलून को हीट के ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, आपको पता होगा कि जैसे मैं इस बलून को हीट के ऊपर रखूंगा ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं फटाफट कि क्या होता है ये। सो गाइज ये रहा मेरे पास एक बलून और मैं इस बलून से प्रैक्टिकल करने वाला हूँ और मैंने लिया ये हीटिंग मटेरियल और मैं अभी इसको जलाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस मैंने इसको यहाँ पे जला दिया है और आपको पता है कि अगर मैं गाइस इस बलून को अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। सो मैं इसको रखता हूँ इसमें और देखता हूँ कि क्या ये ब्लास्ट होता है या नहीं होता है। सो आप ये बलून देखें गाइस और मैं क्या करता हूँ इसको इस पे रखता हूँ। मैंने इस बलून को जैसे ही यहाँ पे रखूंगा और ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। गाइस ये बलून तो पूरा फट गया। सो इसमें क्या हुआ है कि जो हीट है, हीट बेसिकली क्या किया, इस बलून के फ्लैश पॉइंट तक पहुंच गया। फ्लैश पॉइंट मतलब जितना इस बलून को संभालना चाहिए हीट को, वो उतना नहीं संभाल पाया और ये क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया। क्योंकि इसके अंदर क्या था, एयर था, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जैसे ये हीटिंग होता है तो जो हीट होती है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक उतने अच्छे से नहीं पहुँच पाती। सो गाइज अब हम एक इसी में एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ पे बलून सी लेंगे, लेकिन उस बलून के अंदर क्या करेंगे, वाटर ऐड करने वाले और देखते हैं कि क्या वाटर वाला बलून फटता है या नहीं फटता और उसके पीछे का साइंस भी गाइज हम समझेंगे। मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन आप गाइज इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। गाइज ये मैंने दूसरा बलून यहाँ पे लिया है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वाटर ऐड करूँगा। सो गाइस ये मैंने ब्लू कलर का बलून लिया है। गाइस अब इस बलून में क्या है, वाटर है, इस बलून के अंदर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। लेकिन हम यहाँ पे हीट एक्सपांशन कर रहे हैं, हीट एक्सपांशन थ्योरी रीड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वाटर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हीट का बहुत ही अच्छा एक्सपांडेबल, मतलब वो हीट को बहुत ही जल्दी क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया हुआ है। सो गाइस अब मैं क्या करूँगा, इस गुब्बारे को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मतलब इस सब्सटेंस के ऊपर रखता हूँ, तो क्या ये ब्रस्ट होगा या नहीं होगा ये देखेंगे हम।
तो बेसिकली देखो, कोई मॉलिक्यूल्स या फिर कोई मटेरियल क्यों जलता है, क्योंकि वो अपने फ्लैश पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसलिए वो जलता है। फ्लैश पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो क्या होता है कि वो हीट को संभाल नहीं पाता है और वहाँ पे वो जल जाता है या फिर पूरा ब्रस्ट हो जाता है या फिर फट जाता है या फिर वो मटेरियल में फायर हो जाता है। सो वो होता है हमारा फ्लैश पॉइंट, क्लियर। सो वाटर वाटर बेसिकली क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो देखते हैं कि क्या ये गुब्बारा फटेगा या नहीं फटेगा, क्लियर। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सो गाइस, इसको फूटना तो नहीं चाहिए था पर ये फूट गया। सो इसके पीछे का बेसिकली रीजन क्या होता है कि अगर हम गुब्बारे को गलत डायरेक्शन में पकड़े तो पर भी वो फूट सकता है। सो वही हुआ है यहाँ पे, ये पूरा फूट गया और पानी यहाँ पे गिर गया है और अब तो ये पूरा खराब हो चुका है। सो गाइस अब हम फटाफट मोमबत्ती लेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो मुझे भी नहीं पता चला कि ये कैसे धार मतलब एक्चुअली गुब्बारे को अगर हम गलत डायरेक्शन में पकड़े तो वो फूट जाता है इजिली। मतलब अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर डिसबैलेंस होता है तो वो इजिली फूट जाता है। सो ये पूरा फूट चुका है, अब दूसरा गुब्बारा लेते हैं और फिर से एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है मोमबत्ती और ये मैंने अभी दूसरा बलून लिया है। सो गाइस जब इसको हम इस हीटिंग के ऊपर रखते हैं, क्लियर, तो देख रहे हो ये ब्रस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं फट रहा है, क्योंकि बेसिकली ये जो हीट है ये यहाँ से हीट आ रहा है इस लेटेक्स के ऊपर, मतलब इस लेटेक्स मीन्स कि ये जो रबर का है इसके ऊपर, और ये हीट क्या कर रहा है, ये लेटेक्स ये पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। ये हीट क्या कर रहा है, ये इस पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। और वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो दैट्स वाई ये हीट जो है वाटर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब ऊपर के साइड। और ऊपर आते हीट क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, और अगेन ये सब्सटेंस इसको हीट कर रहा है और ये ऊपर जाके अगेन ठंडा हो जा रहा है। सो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हीट का कंटिन्यूस फ्लो होते रह रहा है कंटिन्यू साइकिल में। अगर अगर हम इसको इसके फ्लैश पॉइंट पे हीट कर दें, मतलब बहुत ज़्यादा हीटिंग यहाँ पे लगा दें, तो ये अपने फ्लैश पॉइंट पे पहुँच जाएगा, मतलब ये मटेरियल अपने हीटिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा और ये तुरंत क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, तुरंत ये फट जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं हीट ऑफ कंडक्शन, मतलब हीट ऑफ कंडक्शन या फिर थर्मल हीट ऑफ कंडक्शन का ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है बलून के थ्रू, जहाँ पे आप देख रहे हैं इस मोमबत्ती के ऊपर ये बलून्स नहीं बर्स्ट हो रहा है, नहीं फट रहा है। लेकिन अगर यही अगर ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाए या फिर ये लेटेक्स क्या, ये लेटेक्स बेसिकली वही कर रहा है, ये हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है इस वाटर के अंदर और वाटर हीट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है गाइस कि ये ब्लास्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसा हो चुका है लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे फट नहीं रहा है क्योंकि ये हीट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव। तो गाइस ये गुब्बारा हमारा, ये जो बलून से ये बच गया हमारा क्योंकि ये नहीं फटा है, और बाकी जो पिछले वाले गुब्बारे आपने देखेंगे वो क्यों फट गए, क्योंकि उसने हीट का कंडक्शन अच्छा नहीं था और यहाँ पे हीट का कंडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बलून्स का आपने एक्सपेरिमेंट देखा है। सो गाइस ऐसे न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस केमिस्ट्री तड़का चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।